वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इससे पीछे वाली जो वीडियो थी स्टूडेंट्स, उसमें हमने स्टडी किया कि हम किस प्रकार से डाइमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हम अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को चेंज करते हैं तो हम डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। तो आज जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि कोई भी गिवन फार्मूला है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत डायमेंशन का यूज करके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो सेकंड था हमारा, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूले हैं इनको जब चेक करते हैं कि हमारा गिवन फॉर्मूला सही है या नहीं, तो इसमें हम डायमेंशंस का यूज करते हैं। और एक जो डायमेंशन का हम यूज करते हैं उसमें एक प्रिंसिपल आता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, इस प्रिंसिपल का यूज़ करके हम हमारा फॉर्मूला है उसको चेक करते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दैट ए फॉर्मूला इज करेक्ट इन विच द डायमेंशन ऑफ वेरियस फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ वन साइड ऑफ द रिलेशन आर इक्वल टू देयर रेस्पेक्टिव डायमेंशन ऑन द अदर साइड ऑफ द रिलेशन। देखिए, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लीजिए हम एक सिंपल सा फार्मूला लेते हैं F इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो जब आप फार्मूला चेक करते हैं तो आपके दोनों तरफ जो हमारा डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम वन एल वन टी माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ जैसे मास है इसका होता है एम वन, एक्सीलेशन का होता है एल वन टी माइनस टू। तो जो यहाँ जो डायमेंशन है वो यहाँ पे है। अगर डायमेंशनली दोनों तरफ हमारे हमारा फार्मूला करेक्ट है तो हम कह सकते हैं कि वो फार्मूला है वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमारा सही है। ठीक है, और इसमें एक सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि मान लीजिए आपका कोई फार्मूला इस प्रकार से हो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी इस साइड जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए वेलोसिटी है, तो इसका फार्मूला है एल टी माइनस वन। तो जो इस साइड है आप इनको प्लस नहीं करोगे कि भाई इसका डायमेंशन प्लस इसका डायमेंशन, ऐसे नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसका डायमेंशन और प्लस में जो क्वांटिटी उसका डायमेंशन, उसका भी एल टी माइनस वन ही होना चाहिए। जैसे ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, एक्सीलेशन का हमारा होता है एल वन टी माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टी, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगी तो एल टी माइनस वन। तो देखिए एल टी माइनस वन, ये भी एल टी माइनस वन, ये भी एल टी माइनस वन, तो हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इसमें स्टूडेंट्स हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इनके डायमेंशन प्लस करके इसके इक्वल नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे U का और ए टी का डायमेंशन अगर इस साइड जो V है इसके डायमेंशन से मेल खाता है तो हमारा फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। मान लीजिए U यहाँ पे आपकी इक्वेशन होती V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो इसका एल टी माइनस वन, यू का भी एल टी माइनस वन, इसका एल वन टी माइनस टू और टी टू। ठीक है, तो टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कैंसिल हो गया
तो L1 हो इसका है 8 स्क्वेयर का, तो ये हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि हमारा गिवन फार्मूला सही है या गलत है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, वेयर एल इज द लेंथ एंड टी इज टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, जी इज एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल जी। अब आप इसको चेक करोगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो देखिए इस साइड आपका क्या है, टी है, तो टी का डायमेंशन टी होता है m0 l0 t। ठीक है, जब हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में 2 पाई है, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। ठीक है, एल लेंथ है, लेंथ का एल ले लिया हमने, जी एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलेशन का ले लिया LT-2, और ये अंडर रूट में है। ठीक है, तो एल से एल कैंसिल, T-2 है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो T2 का अंडर रूट, और ये हो जाएगा T। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो जो हमारा जो गिवन रिलेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। आगे देखिए सेकंड एग्जांपल, अगला जो एग्जांपल है, आउट ऑफ द फॉर्मूले वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई t/t एंड वाई ए साइन vt फॉर द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग ए पीरियडिक मोशन, तो रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, सिंबल्स हैव स्टैंडर्ड मीनिंग। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं वाई के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट की, आपको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट, तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई t/t, तो यहाँ वाई डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का लेंथ एल। इस साइड हम बात करें, ए हमारा एम्पलीट्यूड होता है, तो एम्पलीट्यूड है वो हमारी लेंथ ही होती है, तो एल। साइन है, साइन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, यहाँ पर 2 पाई t/t। ठीक है, एक हमारा टाइम पीरियड है, एक हमारा स्मॉल टाइम है। ठीक है, तो दोनों ही टाइम है, तो इनका टी और टी हो जाएगा, तो ये टी से टी कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा साइन 0, यहाँ पे टी से टी कैंसिल हो गया, तो साइन ये हो जाएगा L sin 1। ठीक है, तो साइन का डायमेंशन होता नहीं है तो L रह जाएगा, तो L इज इक्वल टू L, तो ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। सेकंड की बात करें, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट L, यहाँ पे L, और जो वेलोसिटी है LT-1, टाइम का T, T से T कैंसिल। ठीक है, तो L साइन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा यहाँ डिस्प्लेसमेंट एल है, यहाँ पे एल साइन एल है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का डायमेंशन होता नहीं है, तो एल और एल एल स्क्वेयर हो जाएगा, तो एज यहाँ पे ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे द फार्मूला इज रॉन्ग। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन एस, इज टी इज इक्वल टू के अंडर रूट रो आर स्क्वेयर अपॉन एस, तो चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। तो बिल्कुल वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में आपका टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन हो जाएगा टी। अब राइट हैंड साइड की बात करें, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर
हमारा के कांस्टेंट है, डेंसिटी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो m1 l-3, रेडियस है, डिस्टेंस है तो l3, s यहाँ पे आपकी सरफेस टेंशन है तो उसका फार्मूला होता है m1 l0 t-2। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो t आ जाएगा, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा फार्मूला है वो डाइमेंशनली करेक्ट है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन वी इज इक्वल टू पाई पी ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर टू एन एन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वी है वो वेलोसिटी है, पी इज द प्रेशर डिफरेंस, ए इज रेडियस ऑफ द ट्यूब, x is the distance from the axis of tube, n is the coefficient of viscosity and l is length of the tube। तो आपको जितनी भी क्वांटिटीज गिवन होती हैं आपको सिर्फ उनका डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए जिनका होता है, जब आप उनको रखोगे तो आपको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। यहाँ पे वेलोसिटी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वेलोसिटी का l t-1 होता है, यहाँ पर पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ हमारा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पी ए स्क्वेयर माइनस पी एक्स स्क्वेयर टू एन एल। अब आप क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो दोनों का सेम आना चाहिए, तो आप एक का देख लेंगे। देखिए पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, अब पी ए स्क्वेयर माइनस पी एक्स स्क्वेयर अपॉन में टू नीटा एल, ठीक है, अब इनको अलग अलग करेंगे तो पी ए स्क्वेयर टू नीटा एल माइनस पी एक्स स्क्वेयर टू नीटा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि चाहे कितने ही पार्ट हो रिलेशन के अंदर हर पार्ट का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो आप इसका निकालेंगे इसका निकालेंगे दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर ए रेडियस है, रेडियस आल्सो ए लेंथ, और एक्स है वो तो है ही आपका एक्स है डिस्टेंस। तो देखिए हम वैल्यू रखते हैं प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पर आपका प्रेशर डिफरेंस है पी, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m l-1 t-2, ठीक है, ए स्क्वेयर रेडियस है, रेडियस आल्सो लेंथ, तो ये एल स्क्वेयर, यहाँ पर जो कोफिशियंट ऑफ वेस्कोसिटी है इसका m l-1 t-1, और ये लेंथ है, लेंथ का है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, जैसे कुछ एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज या कॉन्स्टेंट होते हैं जो जिससे अभी हम इंट्रोड्यूस नहीं हुए, जो कि हमारे आने वाली यूनिट्स में हम उनसे इंट्रोड्यूस होंगे, तो इस कंडीशन में अगर आप लोग ये क्वेश्चन करते हो तो आपकी जो डायमेंशन फार्मूला की जो टेबल है उसमें से आप डायरेक्टली डायमेंशनल फार्मूला देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका कोफिशियंट ऑफ वेस्कोसिटी है, ये आपकी जो फ्लूड की यूनिट है यूनिट नंबर 7, उसके अंदर आप इसके बारे में पढ़ोगे कि ये क्या होता है और इसका डायमेंशन क्या होगा, लेकिन अभी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग टेबल की मदद से आप लोग डायमेंशन है वो देखकर इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड एल t-1 थी, तो राइट हैंड साइड भी एल t-1 आ गई, इसका मतलब आपका ये जो फार्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन, आपको यहाँ पे एक्यूरेसी देखना है, ठीक है, जो हमारा फार्मूला है ये डेल इज इक्वल टू एम जी एल क्यूब अपॉन 4 बी डी क्यूब वाई,
यहाँ पे जो डेल्टा है ये डेल है अपना, ये डिप्रेशन इन द मिडल ऑफ ए बार ऑफ लेंथ एल ब्रेथ बी डेप्थ डी व्हेन इट इज लोकेटेड इन द मिडल विद मास एम वाई इज द यंग्स मॉडुलस। अब ये यंग्स मॉडुलस भी आपके यूनिट नंबर 7 में आता है, तो आप टेबल से इसका डायमेंशनल फार्मूला देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल है वो हमारी लेंथ है, तो एम जीरो एल वन टी जीरो। राइट हैंड साइड लीजिए, मास कायम होता है, जी एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स एक्सीलेशन एल टी माइनस टू, लेंथ का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे फोर का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ब्रेथ है लेंथ है तो एल, डी भी लेंथ है तो एल क्यूब, और वाई यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का एम एल माइनस वन टी माइनस टू। जब आप इनको कंपेयर करोगे तो ये आपका आ जाएगा एम जीरो एल वन टी जीरो। तो एज डायमेंशन ऑन बोथ साइड आर सेम, द गिवन रिलेशन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो जो ये हमारे आगे जो फॉर्मूले दिए गए हैं इनको करें, कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम आपको सॉल्व करके देंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे को से एग्जांपल्स थे जिनको हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके सॉल्व किया है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।